ग्रीक, इजिप्शियन, हिंदू, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन फिलोसॉफी के अनुसार इंसानों को तीसरी आग भी होती है और इसे आधुनिक विज्ञान पीनियल ग्लैंड कहता है। और ये माना जाता है कि हमें इंट्यूशन या क्रिएटिव आइडियाज, जिसे हम सहज ज्ञान या सहज बोध, जो ऊपर वाले से या किसी हायर पावर से मिलता है, वो पीनियल ग्लैंड की वजह से ही मुमकिन हो पाता है। तो आज का ये टॉपिक आपकी तीसरी आंख खोलने वाला है, और अगर खुली भी नहीं, एटलीस्ट किक तो जरूर बैठेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये पवित्र काम करने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। वैसे वीडियो पूरा देखे बिना भी आप लाइक कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि मेरा और आपका रिश्ता हमेशा के लिए बना रहे। एक पाइन कॉर्न के जैसा दिखने वाला छोटा सा, मतलब एक मटर के दाने से भी छोटा 173 मिलीग्राम का ये अंग इंसानों के लिए वरदान है। 17वीं शताब्दी में विश्व प्रसिद्ध फ्रेंच फिलोसोफर रेने डिकार्टस ने ये कहा था कि पीनियल ग्लैंड मानवी आत्मा का सिंहासन है। इसी जगह से पहली बार आत्मा का प्रवेश मानवी शरीर में यानी भौतिक दुनिया में होता है, जिसकी वजह से ही हम जैसे लोगों में सोचने की, कल्पना करने की और हिलने डुलने की क्षमता आती है। तो आधुनिक विज्ञान के अनुसार पीनियल ग्लैंड मस्तिष्क का एक ऐसा अंग है जो दो तरीके के हॉर्मोन्स का उत्पादन करता है, जिनके नाम है मेलाटोनिन और सेरोटोनिन। रात के वक्त पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन हॉर्मोन का उत्पादन ज्यादा करती है, जिस वजह से नींद आती है, और जैसे जैसे दिन होता है वही मेलाटोनिन हॉर्मोन सेरोटोनिन नाम के हार्मोन में रूपांतरित होता है, जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आती। तो इन शॉर्ट, ये हमारी 24 घंटे की स्लीप और अवेक साइकिल या सर्कैडियन साइकिल को कंट्रोल करता है। लो, कर दिया ना यहाँ पे कंफ्यूज आपको, बस इतना इसका काम था। तो ये पुराने लोगों ने इतना सर पे बिठा के इसको क्यों रखा है? आत्मा विराजमान होती है, दूसरे डायमेंशन का ज्ञान मिलता है, पै, 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 पै। ऐसे नहीं मानने वाले हम। जी हाँ, कुछ ऐसा ही रवैया रहता है साइंस में बड़ी शिद्दत से विश्वास रखने वालों का। अगर कुछ है तो हाथों में उठाकर आंखों के सामने लाके दिखाओ, वरना रहने दो। और यहाँ उसके विपरीत अध्यात्म की दुनिया अनुभव के दम पर चलती है। अगर कुछ जानना या पहचानना हो तो विश्वास रखिए, क्योंकि विश्वास और स्वयं अनुभव ही इन भौतिक आयामों के परे जाने की कुंजी है। 3500 साल पहले इजिप्शियन कल्चर में इस पीनियल ग्लैंड को आई ऑफ होरस के नाम से जाना जाता था। हिंदू और बुद्धिस्ट संस्कृति में इसे आज्ञा चक्र या द थर्ड आई चक्रा के नाम से जाना जाता है। आपने भी कई संस्कृतियों में माथे पे बिंदी लगाने की प्रैक्टिसेस देखी होंगी। ये सब बातें जताकर वो यही बताना चाहते थे कि भले ही हमारे पास दो आंखें हो, लेकिन अंतिमतः हमें एक ही वस्तु दिखाई देती है, दो नहीं, क्योंकि मस्तिष्क के अंदर कुछ ऐसा है जो इन दोनों चित्रों को एकत्रित करके हमें सखोल दृष्टि यानी डीप परसेप्शन देता है। तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। एक एक्सपेरिमेंट में जी स्कॉट हबार्ड ने दो कमरों को प्रकाश विरहित किया था, मतलब बिल्कुल अंधेरा, नो लाइट्स, और उन दोनों कमरों में ऐसे डिवाइसेस फिट किए गए जो लाइट यानी फोटॉन्स को भाप लेते हो। उन दोनों कमरों में अंधेरा होने की वजह से ये डिवाइस कुछ भी डिटेक्ट नहीं करेगा, राइट? तो बाद में पहले कमरे में एक इंसान को खड़ा किया जाता है और दूसरे कमरे में एक वस्तु रखी जाती है, फॉर एग्जाम्पल साइकिल। फिर उस व्यक्ति को आंखें बंद करने के लिए कहा जाता है, तो सिंपल है कि उसे वस्तु तो नहीं दिखाई दे रही होगी, तो उसे उस साइकिल का डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन सुनाया जाता है। फिर तो कमाल होता है, उन दोनों कमरों में उस यंत्र द्वारा नए फोटॉन्स बर्स्ट होते हुए डिटेक्ट किए जाते हैं। मतलब हमने जो आज तक सुना था कि बाहर की रोशनी हमारी आंखों के अंदर जाने के बाद ही हमें दिखाई देता है, क्या वो पूरी तरीके से सच नहीं है? क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि हम बिना देखे और बस कल्पना करके भी लाइट के गति के समान फोटॉन्स का निर्माण कर सकते हैं। चलिए और एक काम कीजिए, आपके दिमाग में कांच का डायनासोर इमेजिन कीजिए। किया? कैसे किया? कभी देखा था क्या? नहीं ना? तो ये शक्ति हम में किस लिए है? जो हमें हमारी शारीरिक मर्यादाओं के आगे जाकर अनदेखी चीजों को भी देखने की क्षमता देती है। डॉक्टर डेविड केल्विन कहते हैं कि हमारे आंखों के रेटिनास की पेशियां और पीनियल ग्लैंड की पेशियां, जिसे पीनियलोसाइट्स कहा जाता है, इनकी संरचना एक जैसी होती है,
और इस बात को दूसरे साइंटिस्ट A.F. व्हाइटमैन ने भी मान्यता दी है। उन्होंने भी ये कहा था कि पीनियल ग्लैंड नाम का ये छोटा सा टुकड़ा आंखों के जस्ट पीछे होता है। इसकी बारीक पेशियां यानी पीनियलोसाइट्स में ऐसा प्रोटीन होता है जो फोटो ट्रांसडक्शन का काम करता है, मतलब आंखों के द्वारा अंदर आ रही रोशनी को नर्वस स्टिम्युलाई में कन्वर्ट करने का काम करती है। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन, जो एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलिंग ऑथर है, उन्होंने कहा था कि जब मैं एक दिन एम्ब्रियोलॉजी का कोर्स पढ़ा रहा था तो मुझे ब्रेन के स्ट्रक्चर में एक सिमेट्री दिखाई दी। जब मैंने इस पर और ज्यादा संशोधन किया फिर तो मैं हक्का बक्का रह गया। वो आगे कहते हैं कि मानवीय शरीर जितना ज्यादा जटिल है उतना ही चमत्कारी है, इसीलिए तो हम इसका अभ्यास टुकड़ों में करते हैं, जैसे नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एटसेट्रा। और वो कहते हैं कि हर एक सिस्टम तीन स्तर पर काम करती है। पहली स्टेप होती है इनपुट, दूसरी स्टेप है प्रोसेस और तीसरी स्टेप है आउटपुट। इनपुट में हमारे वातावरण से इंफॉर्मेशन अंदर ली जाती है, तो प्रोसेस में हम उस इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं, यानी अपने हिसाब से उस इंफॉर्मेशन में बदलाव लाते हैं, और आउटपुट में उसी प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को हम बाहर छोड़ते हैं। उदाहरण नर्व सेल्स, इसका स्ट्रक्चर देखिए। डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, सोमा यानी बॉडी में इसे प्रोसेस किया जाता है और एक्सॉन से इंफॉर्मेशन रिलीज होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम लीजिए, माउथ से एंट्री होती है यानी इनपुट मिलता है, अंदर बॉडी में प्रोसेस होती है और एनस से आउटपुट। ब्रेन का स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा ही है। सभी सेंस ऑर्गन्स बाहरी वातावरण की इंफॉर्मेशन फोर ब्रेन को देते हैं ताकि वो उसे एनालाइज करके डिसीजन ले सके। फिर मिड ब्रेन में भी प्रोसेसिंग होता है और अल्टीमेटली एक्शन क्या लेनी है इसकी इंफॉर्मेशन हिंड ब्रेन से रिलीज होती है। तो देखा आपने, ये इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट वाली कार्य पद्धति सब में कॉमन है। तो जब लिप्टन सर ने मस्तिष्क यानी ब्रेन की एनाटॉमी को गौर से देखा तो उन्होंने ये देखा कि पिट्यूटरी ग्लैंड, जो शरीर की मास्टर ग्लैंड कही जाती है, जहाँ से शरीर को किस तरीके से ऑपरेट यानी कैसे चलाया जाना चाहिए इसके ऑर्डर्स मिलते हैं, और उसके एग्जैक्ट अपोजिट एंड में बैठी होती है पीनियल ग्लैंड, और इन दोनों के बीच में रहती है खुली जगह जिसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ये पानी बहता रहता है। इस खुली जगह को थर्ड वेंट्रिकल कहा जाता है, जहाँ पे थैलेमस और हाइपोथैलेमस नाम के ब्रेन पार्ट्स होते हैं। तो इस पर मिस्टर लिप्टन कहते हैं कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर आउटपुट है तो इसके ऊपर वाला एरिया जहाँ थैलेमस और हाइपोथैलेमस है वहाँ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का काम होता है। तो इसी के हिसाब से इसके ऊपर वाला एरिया यानी पीनियल ग्लैंड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। वाओ, ये बात इतनी सिंपल और इतनी क्लियर है क्या? और सब कुछ चाहिए? हाँ, क्यों नहीं। टेलीविजन का शोध लगने से पहले रेडियो पॉपुलर था, और उसके भी शुरुआती दिनों में क्रिस्टल रेडियो नाम का यंत्र चर्चा में आया था। इस डिवाइस के ऊपर क्रिस्टल डिटेक्टर रहता है, जो गैलिना नाम के मिनरल के क्रिस्टल से बना हुआ होता है, जिसे हम अब डायोड कहते हैं। अगर आप उस डिटेक्टर पर किसी भी नोकीली पिन से टच करते हो तो उससे रेडियो ब्रॉडकास्टिंग होती है, यानी पिन से अलग अलग जगह टच करने पर आवाजें सुनाई देती है। इतना ही नहीं, हम हेडफोन लगा के गाने भी सुन सकते हैं, और ये सब पॉसिबल हो रहा है उन क्रिस्टल्स की वजह से जो एनवायरनमेंट के एनर्जी को ट्रांसड्यूस करते हैं, यानी नॉन फिजिकल मैसेज को फिजिकल मैसेज में रूपांतरित करते हैं ताकि हमें समझ में आ सके। तो कुछ इसी तरह से सर SS पिकानहा और उनके सहकारियों ने पीनियल ग्लैंड के अंदर भी क्रिस्टल्स को ढूंढा है। इन छोटे टाइनी माइक्रो नैनोमीटर लेंथ वाले क्रिस्टल्स को कैल्साइट कहा जाता है, जो पीनियल ग्लैंड के पारदर्शक पानी में तैरते रहते हैं। डॉक्टर लिप्टन ने भी पीनियल ग्लैंड के अंदर क्रिस्टल्स होने का कंफर्मेशन किया है। वो ये भी कहते हैं कि पीनियल ग्लैंड मस्तिष्क के अंदर बैठी हुई होती है, जिस कारण उसका रोशनी के साथ सीधा संपर्क नहीं आता, पर उसके क्रिस्टल्स एनवायरनमेंट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या सिग्नल्स की वजह से ट्रिगर होते हैं। तो पीनियल ग्लैंड को मिलने वाली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशनल इंफॉर्मेशन यानी इनपुट आगे थैलेमस को पास होती है,
जहां हम इस इंफॉर्मेशन में हमारे अनुभवों के आधार पर बदलाव लाते हैं, उसे प्रभावित करते हैं और आगे पास करते हैं। और आखिर में मास्टर आउटपुट ग्लैंड यानी पिट्यूटरी ग्लैंड सारे शरीर तक ये मैसेज पहुंचाती है। तो अब समझ में आया आपको कि कैसे हम भौतिक आयामों के परे जाकर भी देखने की ताकत रखते हैं। हिंदू संस्कृति में पीनियल ग्लैंड को ब्रह्म का निवास कहा जाता है। अगर किसी ने इसका उपयोग सही से किया, इसका महत्व समझ लिया, तो समझ लीजिए कि आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो गया। तो कुछ इस तरह से हमें सहज बोध, सहज ज्ञान, इंट्यूशन या क्रिएटिव आइडियाज आते हैं। तो अगर आप भी उस हायर एनर्जी को, उस इंट्यूशंस को ज्यादा से ज्यादा जानना या पहचानना चाहते हो, तो उसका बस एक ही उपाय है, ध्यान करना। So sit, relax and follow your instincts. कमेंट्स में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।